और दूसरी बात, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य है। भक्ति आ गई आपके जीवन में और ज्ञान वैराग्य नहीं आए तो भक्ति का आना भी निरर्थक हो जाएगा। क्यों बोले? भक्ति स्त्री है। और स्त्री का साफल्य क्या है? स्त्री के जीवन की सफलता क्या है? बोले उसके जीवन की सफलता है कि उसे संतान की प्राप्ति हो, वो जननी बने, मां बने। अगर वो जननी नहीं बनी तो उसकी निंदा होती। लोग कहते हैं ये तो बांझ है, वो निंदनीय मानी जाती है। उसी प्रकार भक्ति हमारे जीवन में आवे और भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र को अगर उत्पन्न नहीं कर सकी तो वो भक्ति जो है क्या है? बोले बंध्या है। वो भक्ति भी निंदनीय हो जाती है। और ज्ञान वैराग्य हो लेकिन भक्ति न हो, बोले तब भी गड़बड़। बोले पुत्र हो लेकिन मां न हो, मां का निरादर हो जाए, मां का तिरस्कार हो जाए। बोले ऐसे पुत्र जो मां को त्याग दें, मां का तिरस्कार कर दें, वो पुत्र नहीं है, कुपुत्र है। तो भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य कुपुत्र हैं और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति रूपी मां भी कुमाता है। ये तीनों का जो संयोग है यही निश्चित सिद्धांत है कि हमारे जीवन में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। केवल भक्ति होगी तब भी काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान होगा तब भी काम नहीं चलेगा, केवल वैराग्य हो तब भी काम नहीं चलेगा। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों आवे और इन तीनों का समन्वय ही श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीन विषयों का ही विवेचन किया गया है। अनेक कथाओं के माध्यम से, अनेक उपाख्यानों के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करने का ही प्रयास किया गया। सूत जी महाराज से मुनियों ने पूछा कि भागवत में क्या है, तो सूत जी कहते हैं कि यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं पारं परं गीयते श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनम। ये श्रीमद्भागवत महापुराण क्या है? बोले वैष्णव का, भगवान के भक्तों का धन है। और इसमें है क्या? बोले यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं पारं परं गीयते। इस पुराण में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित परम पुरुष परमात्मा का गान किया गया और यही समझना है। नारद जी कहते हैं देवी आपके दुख का कारण, भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, अचेत हैं, यही मेरे दुख का कारण है। और भक्ति ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न भी किया। भक्ति ने कहा हे देवर्षि नारद, मेरे मन में एक शंका हो रही। बोले क्या शंका हो रही? भक्ति कहती है मुनिवर, कलयुग राजा परीक्षित के सामने आया था, उसी समय राजा परीक्षित ने कलयुग को मार दिया होता, काम ही खत्म हो जाओ, ये झंझट ही नहीं होती आज। जिस कलयुग की निंदा करते करते हम थकते नहीं हैं कि कलयुग का ये परिणाम, अब तो कलयुग आ गया, अब तो कलयुग आ गया, कलयुग ही सब कुछ कर रहा है, ये झंझट ही ना होता। राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया था, चरणों में गिर पड़ा, लेकिन राजा परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। बोले जाओ मैं तुमको जीवन दान देता हूं। राजा परीक्षित ने अगर उसे मार दिया होता तो आज ये समस्या न होती। तो राजा परीक्षित ने उसे क्यों छोड़ दिया? ये पहला प्रश्न भक्ति ने नारद जी से पूछा। और दूसरा प्रश्न पूछा कि करुणापारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते। चलो ठीक है, राजा परीक्षित ने छोड़ दिया, लेकिन इस अधर्म को भगवान क्यों सहन करते? भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान चाहें तो एक सेकंड में कलयुग खत्म, उनके लिए क्या असंभव है, लेकिन भगवान इसको क्यों सहन करते? और वास्तव में अगर आप विचार करो तो ये दूसरा प्रश्न तो बड़ा विलक्षण प्रश्न है भक्ति का, कि भाई भगवान सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने इस कलयुग को क्यों पाल रखा है? भगवान चाहें तो एक क्षण में कलयुग खत्म हो जाए। तो नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा सुनो, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः। जिस दिन भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण
इस पृथ्वी को छोड़कर स्वपदम गतः अपने धाम पधारे, लीला को पूर्ण करके उसी दिन कलयुग आया। भगवान गए और कलयुग आया। तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः, समस्त साधनों को बांध देने वाला कलयुग उसी दिन आ गया जिस दिन भगवान लीला को पूर्ण करके गए। राजा परीक्षित को मिला, राजा परीक्षित ने उसे क्यों छोड़ दिया? तो नारद जी कहते हैं, देवी कलयुग में दोष तो बहुत है, बहुत दोष है कलयुग में, ये पक्की बात है, लेकिन कलयुग के अंदर एक विशेषता भी है। क्या विशेषता है? बोले कलयुग की एक विशेषता यह है कि सतयुग में जो फल तपस्या से मिलता है, त्रेता में जो फल यज्ञ करने पर मिलता है, और द्वापर युग में जो फल भगवान की पूजा करने से मिलता है, कलयुग में वो फल केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता। देखो सारे दोष व्यक्ति के अंदर हो, लेकिन अगर कोई एक अच्छाई होगी तो उस अच्छाई के बल पर ही वो समाज में पूछा जाएगा। जैसे रेशम के कीड़े में क्या विशेषता है? बोले कीड़ा तो कीड़ा है, लेकिन उससे रेशम उत्पन्न होता है, इसलिए लोग उसे पालते हैं। एक विशेषता तो है उसकी। उस विशेषता के कारण रेशम के कीट को पाला जाता है, उसका पालन किया जाता है। तो इस कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण यह है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है जो फल सतयुग में तपस्या से, साधन से, यज्ञ से मिलता है। और एक विशेषता जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये कलयुग में अगर आप मन से कोई पाप करो तो वो पाप आपको नहीं लगेगा। मन से पाप का मतलब आप बैठे हो, सोच रहे हो कि इस व्यक्ति को हम मारते तो बड़ा अच्छा होता, बड़ा दुष्ट है, इसको मैं मारूं। अब किसी को मारने का आपने मन में सोचा तो पाप तो है, लेकिन ये पाप आपको लगा नहीं। क्यों? बोले केवल मन से आपने सोचा, किया नहीं। जब तक वो कर्म नहीं करोगे तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। मन से कितना भी पाप कर्म की चिंता करो, सोचो, लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, बोले सतयुग और त्रेता द्वापर में मन से आपने पाप का चिंतन किया तो आपको पाप लग जाएगा। और दूसरी विशेषता कलयुग की, बोले कलयुग में आप मन से अगर पुण्य सोच लो तो पुण्य हो जाएगा, पाप नहीं होगा और पुण्य हो जाएगा। मन से आप सोचो कि इसका धन हम चुरा लें, इसका धन हम छीन लें, मन ने सोचा कोई पाप नहीं लगा, जब चुराओगे तभी पाप लगेगा। लेकिन मन में आपने ये सोचा कि हम भागवत की कथा सुनें, हम गंगा स्नान करें, हम संतों की सेवा करें, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन मन से अगर इन सत्कर्मों का आपने चिंतन किया तो आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कल कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर एक। कलयुग में दोष तो बहुत है, लेकिन कलयुग की एक विशेषता है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन से पुण्य तो होगा लेकिन पाप नहीं होगा। और विशेषता क्या है?
बोले कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। अगर विचार करो तो कल युग से अच्छा कोई युग ही नहीं। अब आप कहोगे महाराज अभी तक कल युग की निंदा हो रही थी, अब कल युग की इतनी प्रशंसा क्यों होने लगी? बोले देखो भाई, ज्यादा निंदा करने से कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों? बोले सतयुग बहुत अच्छा है, त्रेता बहुत अच्छा, द्वापर युग बहुत अच्छा, लेकिन हमारे किस काम का? हम तो कलयुग में पैदा हुए, तो जिस युग में हम पैदा हुए वही समय हमारे लिए ठीक है, इसी को हम सार्थक करें, यही बुद्धिमानी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। अगर विचार करो तो कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं है। क्यों? बोले गाई राम गुण गन विमल, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। इस कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस युग में भगवान के गुण को गा करके, भगवान की लीलाओं को गा करके संसार सागर से पार हो जाओ बिना प्रयास के। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, भगवान के गुण को गाओ और संसार सागर से पार हो जाओ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यह चरित्र गावहीं हरि पद पावहीं देन परहीं भव को पा। यह चरित्र गावहीं हरि पद पावहीं देन परहीं भव को पा। हाँ देन परहीं भव को पा। इस चरित्र को, भगवान के चरित्र को गा करके संसार सागर से पार हो गया। गाई राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। ये कलयुग की विशेषता है। इस विशेषता को देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी रहो, तुमसे भी लोगों का भला ही होगा। भक्ति महारानी ने कहा अच्छा तो भगवान ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? ये कलयुग में इतना पाप हो रहा और भगवान सहन करते हैं, सब देखते हैं। तो नारद जी कहते हैं देवी इसमें किसी का दोष नहीं है, ये युग धर्म है, काल का प्रभाव है। ये कलयुग ऐसा है कि इस कलयुग में ऐसा होगा, इसीलिए कलयुग में ये सब होता है, इस युग का यही धर्म है, इसलिए इस युग में ऐसे अनाचार चलते रहते हैं और भगवान ने ही कलयुग को बनाया, इसलिए भगवान ने कलयुग के अवगुणों को देख करके भी सहन किया। भगवान जानते हैं कि ये काल का प्रभाव है, ये काल खत्म होगा, अपने आप इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। काल ही सब कुछ करा लेता है। जैसे ठंडी के दिन आ गए, अब ठंडी के दिन आए तो सरकार के तरफ से क्या कोई घोषणा होती है कि आप लोग अपने ऊनी वस्त्रों को निकाल लो? कोई सूचना दी जाती? समय अपने आप कराता। ठंडी लगी, आदमी कपड़ा खोजने लगा, ठंडी से बचने का प्रयास करने लगा, अपने आप गर्म कपड़े धीरे धीरे बक्सों से बाहर आ गए, पेटियों से बाहर आ गए, लोग पहनने लगे। और जब धीरे धीरे ठंडी का समय समाप्त होने लगा तो साल उतर गई, फिर मफलर खुल गया, फिर स्वेटर भी उतर गया, फिर तो हल्के कपड़े आ गए, किसी को बताना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकृति वो कार्य करा लेती है। उसी प्रकार सतयुग जाता है, कलयुग का काल आता है, पाप कर्म सहज होने लगता है, न चाह करके भी जीव की उधर प्रवृत्ति हो जाती है, और जब कलयुग धीरे धीरे समाप्त होता है तो अपने आप वो सारे कर्म हट जाते हैं। ये युग का धर्म है, काल का प्रभाव है, भगवान सब कुछ देखते हुए भी इसीलिए सहन करते रहते हैं। भगवान जानते हैं किसी का दोष नहीं है, ये समय का दोष है। अयम युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। नारद जी कहते हैं इसमें किसी का दोष नहीं है, ये युग धर्म है, इस युग में ऐसा ही होगा। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर के भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। भक्ति महारानी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और भक्ति ने कहा कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कलम केवलम चाकलय्य।
ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपको मैं प्रणाम करती हूं। आपकी वाणी बड़ी विलक्षण है। भक्ति कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी एक वाणी ने, आपकी एक वाणी ने कयाधु के पुत्र को ऐसा मार्ग दिखा दिया कि कयाधु के पुत्र ने माया को जीत लिया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। ये कयाधु के पुत्र कौन है? बोले कयाधु के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद की मां का नाम कयाधु है और प्रहलाद जी असुर के पुत्र हैं, हिरण्यकश्यपु के पुत्र। लेकिन प्रहलाद को भगवान मिल गए, प्रहलाद जी ने माया को जीत लिया। क्यों? बोले नारद जी के वचनों का प्रभाव है। भक्ति महारानी कहती, आपके वचनों का प्रभाव। और 5 वर्ष के ध्रुव ने 5 महीने की कठिन तपस्या से गोविंद को प्राप्त कर लिया, ये आपके वचनों का प्रभाव। नारद जी के 2 शिष्यों का नाम लिया है भक्ति महारानी, और ये दोनों शिष्य बच्चे हैं, प्रहलाद और ध्रुव। और नारद जी के शिष्य तो बहुत हैं, नारद जी ने कितनों को उपदेश दिया, लेकिन नारद जी के 4 शिष्य बड़े प्रसिद्ध हैं, 2 बच्चे 2 बूढ़े। और नारद जी के इन 4 शिष्यों ने, 2 बच्चों ने, 2 बूढ़ों ने सारे जगत का कल्याण कर दिया। नारद जी के 2 बच्चे शिष्य कौन है? बोले एक तो प्रहलाद, एक ध्रुव जी, दोनों का नाम आपने सुन लिया। और नारद जी के 2 बूढ़े शिष्य कौन है? बोले नारद जी का एक बुढ़ा चेला महर्षि वाल्मीकि, जिनको नारद जी ने राम कथा सुनाई, और महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के द्वारा राम कथा को सुन करके 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया, जिस ग्रंथ को पढ़ करके सारा संसार आज भी राम कथा से आनंद को प्राप्त कर रहा है। तो राम कथा का प्रणयन करने के लिए नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को उपदेश किया, और वाल्मीकि ने राम कथा देकर के सारे जगत का कल्याण किया। और नारद जी के 2 शिष्य कौन है बूढ़े? बोले वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी को नारद जी ने ही भागवत तत्व का उपदेश किया, और भागवत तत्व को नारद जी के द्वारा सुन करके वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठ करके हम लोग तत्व का चिंतन कर रहे। तो नारद जी के ये 2 बूढ़े शिष्य, एक वाल्मीकि एक वेदव्यास, जिनके द्वारा जगत का कल्याण हुआ, और नारद जी के 2 शिष्य ध्रुव और प्रहलाद, जिन्होंने भक्ति के सिद्धांत को सारे जगत को दिखाया, भक्ति कैसे की जाती है ये करके बताया। भक्ति महारानी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, आपको मैं घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। और रही बात आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य की, तो इनको मैं अभी जगा देता हूं। और नारद जी ने क्या किया? बोले ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के नारद जी बैठ गए और उपनिषद पढ़ने लगे, वेद का पाठ करने लगे, ब्रह्म सूत्र का पाठ करने लगे। नारद जी ने सोचा, उपनिषद, वेदांत, ब्रह्म सूत्र, इन्हीं में तो ज्ञान की बातें हैं, और ये सुनने पर ज्ञान जग जाएगा, वैराग्य भी जग जाएगा। इसलिए नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। और कई बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया नारद जी ने, कि गीता सुनकर के ज्ञान जग जाए। लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, जैसे थे वैसे ही पड़े रहे बूढ़े दोनों। क्या संकेत है? बोले संकेत यही है कि कितना भी आप गीता पढ़ लो और कितना भी वेद वेदांत पढ़ लो, ज्ञान वैराग्य जगने वाले नहीं है महाराज। बोले तब? बोले पढ़ना व्यर्थ है? बोले पढ़ना व्यर्थ नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि वेद वेदांत पढ़ने से, गीता पढ़ने से ज्ञान वैराग्य जग जाएगा, वे नहीं जगेगा। प्रमाण है, नारद जी ने सब सुनाया लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, सब पढ़े रहे महाराज। नारद जी ने जाकर के ज्ञान वैराग्य के कान के पास
जोर से चिल्ला करके कहा, मुखम संयोज्य कर्णान्ते, कान के पास मुख लगा करके शब्दम उच्चैः समुच्चरन, जोर से नारद जी ने बुलाया। क्या कहा? बोले ज्ञान प्रबुद्ध्यताम, अरे ज्ञान उठ जाओ। रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम, अरे वैराग्य उठ जाओ। लेकिन न ज्ञान उठे न वैराग्य उठे। क्या मतलब है? बोले कान के पास अपना मुख ले जाकर के नारद जी ने चिल्ला करके जगाया, फिर भी नहीं उठे। क्या संकेत है? बोले संकेत यह है कि नारद जैसा गुरु तुम्हें मिल जाए और नारद जैसा गुरु तुम्हारे कान में मंत्र दे दे, तब भी ज्ञान वैराग्य जगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कान फुकवा लेने से ही ज्ञान वैराग्य नहीं जगता है, ये भी जान लेना। और वेद वेदांत का पाठ कर लो, रट जाओ, शास्त्र की कीड़ा तो बन जाओगे। हमारे यहां जो बहुत पढ़ुआ पंडित होते हैं उनको शास्त्र का कीड़ा कहा जाता है। बोले शास्त्र के कीड़ा हैं, दिन भर यही करते रहे, हर पंक्ति उनको मालूम है कहां क्या लिखा है। लेकिन मैंने देखा है, आपको बतावें, ऐसे विद्वानों को जो कि शास्त्र की एक एक पंक्तियां कहां क्या लिखा है सब उनको मालूम, लेकिन जीवन भर लोभ से मुक्त नहीं हो पाए। ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा,